प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुक्रवार को पेश किए राज्य के बजट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बजट बताया है। भाजपा ने बताया कि सीएम गहलोत की ओर से बजट में की गई घोषणाएं मात्र झुंझुना है। सीएम की ओर से की गई अधिकांश घोषणाएं केवल मात्र लोक लुभावनी है। इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने के कारण सीएम ने मतदाताओं तथा राज्य कर्मचारियों को लुभाने के लिए घोषणाएं की है, जिनका धरातल में फलीभूत होना संभव नहीं है। भाजपाइयों ने बताया कि सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल घोषणाएं की गई है। सरकार द्वारा गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई है और सीएम ने इस बजट में भी घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। जैसा कि ब्यावर के अंदर हमने नगर परिषद में भी बजट के लिए और सांसदों के साथ हमने सुना, चर्चा की, तो उसके आधार पे जो बजट पेश किया गया और जिसमें हमारी सबकी आशा थी ब्यावर जिला बने और ताकि यहाँ का विकास हो, जनजीवन का विकास हो, तो उसकी अभी बजट में हमने भी देखा तो उसकी निराशा भी लगता है कि आगे आगामी दिनों में आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से ये ब्यावर की बहुप्रतीक्षित मांग है, ब्यावर को जिला बना के अनुग्रहित करें ब्यावर वासियों को। और साथ ही बजट में जैसा कि सफाई कर्मचारियों की और अन्य नियुक्तियाँ नगर परिषद में होने का जैसा हमने आया देखा है, हमने और भी कई घोषणाएँ देखते हैं, मौका आने पर ये क्रियावान की होगी उस पर हम देखेंगे। लेकिन ब्यावर को भी कोई अच्छी सौगात मिलती उसकी हम आशा उनसे करते हैं कि ब्यावर का विकास हो, तो उसके लिए आप जो जिला हेडक्वार्टर जैसा ब्यावर क्षेत्र है और आसपास के क्षेत्र जो अन्य जिलों के जो ब्यावर के नज़दीक पड़ते हैं तो वहाँ के लोगों को राहत काफ़ी मिलेगी। ब्यावर को जिला बनाए या सेटेलाइट हॉस्पिटल है जितने भी, और ब्यावर का जो हेड सेंट्रल में जो हॉस्पिटल है उसमें जो कई सुविधाएँ और डॉक्टर जो कमी है वो उसकी पूर्ति करें, ऐसे कई सारी मांगे हैं। जो विभिन्न कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, तकनीकी शिक्षा है, तो वो ब्यावर में भी आए तो ब्यावर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मेडिकल में काफ़ी संभावना है ब्यावर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें भविष्य में हम चाहेंगे कि ब्यावर को मिले, ऐसी हम आशा करते हैं ब्यावर जिला बने, यही सारे ब्यावर वासियों की मांग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने ब्यावर की जनता को उनके कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से जो समझवाग दिखाया था कि ब्यावर को जिला न बनाने जा रहे हैं, वो जिला बनाने को लेकर आज फिर वो उनकी जो समझवाग दिखाए थे झूठे साबित हुए हैं और इससे ब्यावर की जनता को बहुत निराशा हाथ लगी। एक बार ये आशा की झलक लगी थी जब कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ करके ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जिला बनाने जा रहे हैं, लोगों ने यहाँ तक कि उनके धन्यवाद के होल्डिंग तक लगा दिए और मिठाइयाँ बढ़ा ली, तो लोगों को लगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहीं पे भी इसके समर्थन में अलग से कोई आंदोलन नहीं किया। क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी जब बढ़ाने लगती है तो वावाई लूटने के लिए विपक्ष आंदोलन कर उस पर वो वावाई लूटना चाहते हैं, वो उस पर शैर्य लेना चाहते हैं। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार यदि बनाती है तो हम निश्चित रूप से ये शैर्य कांग्रेस को देते हुए उनका स्वागत करेंगे, मैंने कल भी स्टेटमेंट कहा। लेकिन जिस तरीके से चार साल से ब्यावर की जनता को माननीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के नेता ठग रहे हैं, इस बार भी कोई ढेला भी ब्यावर को नहीं मिला। ब्यावर जो 2008 के सात के अंदर जो बिशनपुर की गांव से जोड़ने की योजना बनी थी, चाहे वो योजना हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अन्य विकास की बात हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे थाना हो, एक भी चीज नहीं मिली। यहाँ तक कि ब्यावर के महाविद्यालय को जो नए संकाय की आवश्यकता थी, नए कक्षा को खोलने की आवश्यकता थी, एक भी कोई ऐसी बात नहीं है जो ब्यावर के हित में उन्होंने निर्णय लिया। मैं समझता हूँ कि ब्यावर की जनता के हाथ निराशा लगा फिर ठगी सी महसूस कर रही है। उधर कांग्रेस ने सीएम के बजट को लोक कल्याणकारी बताया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि सीएम ने बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है।
बेरोजगारों, युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, किसानों तथा गृहिणियों का भी विशेष ध्यान रखा है। सीएम ने बेरोजगार युवाओं को मात्र एक बार के पंजीयन पर ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने, महिलाओं को रोडवेज किराए में 50% छूट देने, बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि करने, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करना, विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने सहित अन्य कई प्रकार की सौगातें दी है। कांग्रेस जनों ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है, साथ ही इस वर्ष भी किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाकर भी सीएम ने आमजन को राहत दी है, जिस पर उनका आभार जताया। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बजट पेश किया गया, उसमें बजट विशेषकर युवाओं के लिए और किसानों के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए है, जिसमें 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट का बिजली बिल माफ किया गया है। युवाओं को 1,00,000 नौकरियों की प्रस्ताव बजट में रखा गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अनेक घोषणाएं आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। निश्चित तौर पे आने वाला साल राजस्थान के लिए विकासोन्मुखी होगा और विकास की ओर राजस्थान अग्रसर होगा। रही बात जहाँ तक जिले की है, तो जिले के लिए सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वैसे ही निश्चित तौर पे राजस्थान में नए जिले बनेंगे और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ब्यावर जिला कांग्रेस शासन में कांग्रेस सरकार के समय में ही बनेगा।